श्वेता, तो आप मेरी शेफ कैप और एप्रन देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम कुछ खाने के लिए बनाने वाले हैं। ये रेसिपी जब मैंने बनाई थी तब मुझे प्राइज मिला था। ये अवार्ड विनिंग रेसिपी है। इस रेसिपी का नाम मैंने खुद डिसाइड किया है। इस रेसिपी का नाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलेड है। तो फिलहाल अभी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी ये बताती हूँ कि इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो हमने सबको हाफ हाफ कट कर दिया है। ये है ग्रीन ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, चेरी टमेटोज, येलो बेल पेपर पीसेस और लेटस, और थोड़ा सा चाट मसाला और सॉल्ट, और ये है लेमन जूस। आप कोई भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स को धोना मत भूलना, ये बहुत जरूरी है। तो अब हम एक बोल लेंगे और स्पून मिक्स करने के लिए। तो अब हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सबसे पहले ग्रीन ग्रेप्स, ये गए ग्रीन ग्रेप्स। अब हम डालेंगे स्ट्रॉबेरीज, माय फेवरेट, ये गए स्ट्रॉबेरीज। अब आ गई है ब्लैक ग्रेप्स की बारी, तो अब हम डालेंगे ब्लैक ग्रेप्स, चेरी टमेटोस, कितने ये चेरी जैसे लगते हैं एकदम, इसीलिए तो इसका नाम है चेरी टमेटोस। सम लेटस, ये डाला मैंने लेटस, कितनी ग्रीनरी है इसके अंदर। उप्स, हम येलो बेल पेपर तो डालना भूल ही गए। चलो अब इसकी बारी है। अब हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे और सॉल्ट। चलो डालना स्टार्ट करते हैं। और अब हम लेमन जूस डालेंगे। मुझे लगता है मुझसे स्क्वीज हो ही जाएगा। चलो थोड़ा सा कर देती हूँ, इसमें बहुत जान लगती है। तो अब हमने लेमन को भी स्क्वीज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, मिक्स मिक्सी मिक्सी मिक्सी। इसमें सारे कलर्स आ गए। ये कितनी कलरफुल सैलेड आ गई है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जादू। ये मैंने एक प्लेट ली है, इसके ऊपर रख दी है। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स। बी केयरफुल, क्योंकि मैंने एक ग्लास बोल ली है। अब इसको हम ऊपर नीचे करेंगे और ये मिक्स हो गई। तो आपको पता है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अरे कुछ नहीं है, बन गई हमारी सैलेड। अगर मैं बना सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? आप तो बहुत ही इजीली बना लोगे। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ग्रेप्स बचकर डाल देती हूँ। चलो तो हमारी ये सैलेड बन गई है। तो देखा ये सैलेड कितनी क्यूट लग रही है, मन कर रहा है इसे अभी खा जाओ। देखो है ना। और इसको आप लंच डिनर में भी खा सकते हैं, और ब्रेकफास्ट में तो खा ही सकते हैं।